चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, ट्रांसवर्स का मतलब परपेंडिकुलर, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म. जब भी कोई चार्ज पार्टिकल क्यू वेलोसिटी वी के साथ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो वह सर्कल में मूव करेगा. क्यों? क्योंकि जैसे वो एंटर करेगा इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, और मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन के फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, बी बोर्ड के इनसाइड है, वी राइट है, तो फोर्स कहाँ पर है? अपवर्ड्स है, तो फोर्स लग रही है. फिर ये मुड़ता जाएगा, अब जिस मर्जी पॉइंट पे देख लो, बी बोर्ड के अंदर है, वेलोसिटी ऊपर है, तो फोर्स ये रही. अब यहाँ देख लो, बी वी बी जो है बोर्ड के अंदर है, वेलोसिटी इधर है, फोर्स ये रही. हर वक्त लगाओगे फोर्स कहाँ आएगी? टूवर्ड्स सेंटर. तो ये फोर्स एफ ऑफ एम क्या प्रोवाइड करेगी चार्ज पार्टिकल को? सेंट्रीपिटल. और पार्टिकल किस में घूमेगा? इन अ सर्कल. तो क्या ये पहला स्टेप क्लियर है यहाँ तक कि पार्टिकल सर्कल में घूमेगा? तो इसमें कितने रेडियस में घूमेगा, कितने टाइम पीरियड में घूमेगा, कितनी इसकी फ्रिक्वेंसी होगी, इसको कैलकुलेट करने के लिए एक काम करते हैं. इसको कैलकुलेट करने के लिए लेट अस सपोज ये पार्टिकल है जो कि किस में मूव कर रहा है? इन अ सर्कल. ठीक है, और सपोज करो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? बोर्ड के इनसाइड है. ठीक, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है एंड बोर्ड के इनसाइड है. और हमने अभी डिस्कस भी किया था कि जैसे यहां पर वेलोसिटी वी वेक्टर है, यहां पे वेलोसिटी वी वेक्टर है, यहां पे वेलोसिटी वी वेक्टर है, और यहां पे वेलोसिटी वी वेक्टर है, और मैग्नेटिक फोर्स कहां आएगी? ऑलवेज टूवर्ड्स सेंटर. ये हमने डिस्कस किया था, और ये डायग्राम अभी हमने देखा भी. एफ ऑफ एम टूवर्ड्स सेंटर, एफ ऑफ एम टूवर्ड्स सेंटर. क्लियर है? तो ये आपका सेंटर. तो मान लेते हैं कि आर रेडियस है जिसमें पार्टिकल घूम रहे हैं. तो आप बस मुझे ये बताओ कि एफ ऑफ एम मैग्नेटिक फोर्स है जो क्या एक्ट करती है? लाइक सेंट्रिपिटल फोर्स. तो पार्टिकल को क्या प्रोवाइड करती है? सेंट्रिपिटल फोर्स. आप मुझे ये बताओ मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल क्यू पे कितनी एक्ट कर रही है? बी क्यू वी साइन 90, बी क्यू वी साइन 90. और पार्टिकल की सेंट्रीपिटल फोर्स होती क्या है? एम वी स्क्वायर बाय आर. तो यहां से वी कैंसल, ये वैल्यू 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आर की वैल्यू क्या आ गई? एम वी डिवाइडेड बाय डी क्यू. इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसमें बहुत न्यूमेरिकल आएंगे. तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, तो पार्टिकल का जो रेडियस होता है वो किसके इक्वल है? एम वी डिवाइडेड बाय बी क्यू. ये पहला रिजल्ट है. दूसरा रिजल्ट, पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है इन अ रेडियस ऑफ आर. सपोज करो मेरे को इसमें ये ढूंढना है कि व्हाट इज इट टाइम पीरियड. अब एक बार बताओ, स्पीड तो पार्टिकल की क्या रहेगी? ऑलवेज सेम. और अगर स्पीड सेम है तो एक चक्कर का टाइम अगर कैपिटल टी है तो दूसरे चक्कर का टाइम भी कैपिटल टी है, तीसरे का टाइम भी कैपिटल टी है. भाई टाइम कैसे चेंज होगा जब स्पीड ही चेंज नहीं हो रही? तो टाइम होता क्या है? टाइम होता है 2πr/v, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. आपकी टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई. तो एक काम करते हैं, इसके अंदर रेडियस की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, एम वी डिवाइडेड बाय बी क्यू. वेलोसिटी से वेलोसिटी कैंसल, 2πm/bq. तो क्या ये स्टेप क्लियर है? तो किसकी वैल्यू आ गई? टाइम पीरियड की. इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में काम आएगा. तो जब भी कोई पार्टिकल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस केस में पार्टिकल किस में मूव करेगा? सर्कल में. सर्कल में मूव करने के लिए कौन सी फोर्स चाहिए? सेंट्रीपिटल. सेंट्रीपिटल कौन प्रोवाइड करेगा? मैग्नेटिक फोर्स. तो इन्हें अगर इक्वेट करेंगे तो रेडियस क्या आएगा? एम वी बाई बी क्यू. और एक चक्कर का टाइम क्या आएगा? 2πm/bq. अगर वो पूछे मुझे फ्रीक्वेंसी निकाल के दो, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड. टाइम पीरियड को उल्टा कर दो तो क्या आएगा? bq डिवाइडेड बाय 2πm. तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी. तो ये आपके पास वैल्यू किसकी आ गई? फ्रीक्वेंसी की. नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट में कि सपोज करो वो कहता है कि मेरे को ओमेगा निकाल के दो. ओमेगा, ओमेगा होता क्या है? 2π/t. तो ओमेगा विल बी इक्वल टू 2π/t की वैल्यू क्या है? 2πm/bq. तो 2π से 2π कैंसल, तो क्या आ गया?
बी क्यू डिवाइडेड बाय एम, तो ये आपके फॉर्मूलाज न्यूमेरिकल में काम आएंगे। तो आप बस रेडियस निकाल लो, रेडियस से टाइम पीरियड आ जाएगा, टाइम पीरियड से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी से ओमेगा आ जाएगा। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, कई बार कई बुक्स ओमेगा ऐसे नहीं निकालती, कई बुक्स ओमेगा ऐसे निकालती हैं कि जैसे सपोज आपके पास अगर आपको ओमेगा निकालना है तो वो टाइम पीरियड निकालती पहले। देखो क्या करती हैं, ओमेगा निकालने के लिए v इज इक्वल टू आर ओमेगा का रिजल्ट लगाती हैं सर्कुलर का, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा विल बी इक्वल टू क्या, v बाय आर। ओमेगा इज इक्वल टू आर की वैल्यू क्या निकाली थी, एम वी बाय बी क्यू, तो v से v कैंसल, आंसर आ गया बी क्यू बाय एम ए की बात है, चेक करो आंसर सेम आ रहा है। तो आप चाहे v इज इक्वल टू आर ओमेगा लगा लो, चाहे टाइम पीरियड से ओमेगा निकाल लो, बात एक ही है। क्लियर है, ये सब आपके एनसीईआरटी के बुकलेट में गिवन है, अभी मैं ओपन करके दिखा रहा हूँ, प्रूफ सारे एनसीईआरटी के बुकलेट के अंदर है। बट पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे इसमें कैलकुलेशंस की हमने। ठीक, तो इसके अंदर आप चेक करें, चार्ज पार्टिकल जब परपेंडिकुलर ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो वो सर्कल में मूव करता है, सर्कल में रेडियस की वैल्यू क्या होती है, एम वी बाय बी क्यू, टाइम पीरियड क्या होता है, टू पाई एम बाय बी क्यू, तो ये मैंने बता दिया। तो चार्ज पार्टिकल मूव इन अ सर्कल और जब मैग्नेटिक फोर्स इस पे ऐड करती है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डू नॉट चेंज, और सिर्फ क्या चीज चेंज होती है, इसकी डायरेक्शन चेंज होती है चार्ज पार्टिकल की।